वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पे आपको ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंप्लीट फार्माकोलॉजी बताई जाती है, ड्रग की डोजेज फॉर्म, ड्रग के अवेलेबल ब्रांड्स, उनके मैकेनिज्म्स, इसके साथ साथ जो क्लिनिकल यूजेस हैं ड्रग्स के। कभी कभी कुछ ड्रग्स से तो वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इन कंप्लीट पैरामीटर्स को हमारे लेक्चर्स में कवर किया जाता है। और आज की जो ड्रग है दैट इज कॉल्ड एज ट्रामाडोल। तो ट्रामाडोल डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है, ट्रामाडोल के नाम से भी आती है, ट्रामाल के नाम से भी आती है। टैबलेट्स हैं और कैप्सूल्स हैं। टैबलेट में 50 mg और 100 mg, जबकि कैप्सूल में 100, 150, 200 और 300 mg की कैप्सूल्स भी अवेलेबल होती हैं। मैकेनिज्म क्या है, ये क्या है बेसिकली, तो ये दरअसल नॉन ओपियोइड डेरिवेटिव्स हैं ऑफ सिंथेटिक ओपियोइड के, ठीक है, नॉन ओपियोइड डिराइव्ड सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं। और ये एनल्जेसिक हैं, यानी कि क्या करती है, आपके पेन को ख़त्म करती हैं, पेन किलर्स हैं। तो इनके अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम ओपियोइड म्यू रिसेप्टर्स कहते हैं, ये उनके ऊपर जाके बाइंड करती है और जो पेन सेंसेशंस हैं, पेन पाथवेज हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपको पेन फील ही ना हो। तो स्पेसिफिकली ये यूज़ होते हैं ये कैंसर पेन में, या अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उस तरह के पेन में, सीवियर काइंड ऑफ पेन में ये यूज़ होती हैं। क्लिनिकल यूजेस में अगर देखें, मॉडरेट टू सीवियर पेन मैनेजमेंट इन एडल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा इमीडिएट रिलीज टेबलेट जो हैं 25 mg पर ओरल एवरी मॉर्निंग इनिशियली ली जाती है, और 25 से 50 mg पर डे अप टू 3 डेज ले सकते हैं। और एक्सटेंडेड रिलीज अगर है टैबलेट तो फिर 100 mg पर ओरल वंस डेली यूज होती है, इंक्रीज कर सकते हैं डोज 100 mg पर डे एवरी 5 डेज, ठीक है। और 300 mg से आपने बढ़ानी नहीं होती इसकी डोज, स्पेसिफिकली मुख्तलिफ तरह के पेन के लिए ही यूज होती है, लेकिन एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग साइन है इसका, और वो ये है कि एनल्जेसिक तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा एडिक्शन का प्रॉब्लम है। लोग एडिक्शन हो जाते हैं, एब्यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं इस तरह की ओपियोइड एनल्जेसिक्स को, लिहाजा ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है इस तरह की ड्रग्स के लिए। तो आपने क्या करना है, रिस्क एवेल्युएशन करनी है और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यूज करनी है ताकि किस तरह प्रॉपर वे में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स में कुछ इमीडिएट रिलीज के साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ एक्सटेंडेड रिलीज में जैसे कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, सोमनोलेंस, वॉमिटिंग, सीएनएस स्टिम्युलेशन। देखें सोमनोलेंस इसकी 25% तक सोमनोलेंस है, यानी आपको नींद आती है, तो 25% तक सोमनोलेंस एक बड़ी परसेंटेज है, इसी वजह से लोग इसका इस्तेमाल बड़े गलत वे में करते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज में देखा जाए नोजिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, सोमनोलेंस, डिजीनेस, ड्राई माउथ, वॉमिटिंग जो है वो थोड़ी उनकी शरह कम हो गई है एक्सटेंडेड रिलीज में, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इस ड्रग का अब्यूज़ और मिसयूज़ भी किया जाता है। तो ख्याल रखें, ट्रामाल जो है पेन में यूज़ होती है, जो बहुत सीवियर काइंड ऑफ पेन हो, सर्जिकल पेन्स हैं, या आपके पास एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं उसके पेन हैं, या कैंसर के अंदर जो पेन फील होता है वो वाले हैं, तो ट्रामाडोल इज़ वेरी यूजफुल इन दैट केस। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।